हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मिकी और आप देख रहे हैं फिल्मी जंगल हिंदी। जी गाइस, मैं आ गया हूं एक ज़बरदस्त मूवी के साथ। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं मैडम वेब की। इस मूवी ने मेरा मूड और दिल दोनों खुश कर दिया। जब कुछ अच्छा देखने को मिले तो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन थिएटर पूरा खाली था। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसी साइंस फिक्शन मूवी समझ ही नहीं आती। चले छोड़े, बात करते हैं मूवी की। एक लड़की है जिसे फ्यूचर नज़र आ जाता है, मतलब कुछ भी बुरा होने से पहले उसे दिख जाता है। अरे वाह। बाकी दूसरी तरफ एक विलन है जो आपको पूरा स्पाइडरमैन की लुक में नज़र आएगा। ये सब कुछ करता है, बस जाले नहीं फेंकता। इन भाई साहब को भी ड्रीम आते हैं और इनको नज़र आता है कि तीन लड़कियां हैं जो इन्हें मारना चाहती है, और ये भाई साहब लग जाएंगे उनकी तलाश में, उन्हें ढूंढने, ताकि ये उन्हें मार सके। लेकिन अब ये उनको मार पाएगा कि नहीं, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ है हमारी जॉनसन, जिनको नज़र आता है कि एक बंदा तीन लड़कियों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, तो ये लग जाती है अपने मिशन में, मतलब उनको बचाने। तो गाइस, बस यही चल रही है स्टोरी। सुनने में और देखने में काफ़ी फ़र्क है। आई होप आपको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस तरह मूवी में काम हुआ है ना, बिल्कुल अलग लेवल है बॉस। मूवी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 1 घंटा और 50 मिनट की है। बहुत सारा एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री देखने को मिलेगी। फिल्म में फ्लैशबैक के सीन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी होना ज़रूरी थे, क्योंकि यही रखते हैं फिल्म को जोड़कर। फिल्म में एक के बाद एक सीन आपको मजबूर कर देगा कि अब क्या होने वाला है। और गाइस, अगर ऐसा चल रहा है तो बस फिर और क्या चाहिए। अब गोडज़िला तो मिलने सरा, छोटे स्टोरी बोर्ड में ऐसा काम करना हर किसी की बस की बात नहीं। बाकी जैसा ट्रेलर देखा था उस हिसाब से थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन बेहतर है। मूवी देखते हुए सिर्फ मूवी को देखना, उसके अलावा कुछ और सोच रहे हो तो शायद आपको मज़ा ना आए। बाकी मूवी का VFX काफ़ी अच्छा है, अब क्या जान लोगे यार, जाओ देख लो। बाकी आपको डकोटा जॉनसन कैसी लगी मुझे कमेंट पे लाजमी बताना। फिल्म में कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।